पहले तो शेप को देख लीजिए, ये शेप आखिर में है कैसा, ठीक है? शेप को समझिए। शेप में कैसा, ये तो सीधा एक, ये तो है नहीं लाइन लाइन बीच में, आप देख सकते हो इधर पे ऐसे ऐसे अंदर भी गया हल्का सा, ठीक है, ऐसे अंदर भी गया है, ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है, ऐसे कर्व्स बने हुए हैं, ऐसे अंदर से भी कर्व्स बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे कर्व्स, ऐसे नहीं कि ऐसे बस राउंड जैसा पट्टी 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 जा, बस कर्व भी साथ में है, ठीक है। तो ओके, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, पहले इसके अंदर हम लोग एक नया फोल्डर आज के डेट का कर लेते हैं, फोल्डर नंबर 9, और इसमें कर लेते हैं सेव, और फिर हम लोग चलते हैं अपने 3ds Max पर, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, हमारे रेफरेंस फ़ोटो को जो भी अभी हमने सेव किया है फोल्डर नंबर 9 के अंदर, ये रहा, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये सर्कल सर्कल है, तो सेम ऐसे कुछ हम लोग कुछ यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए आपको ना इसको ऐसे मत समझिए, ऐसे चपटा मत समझिए, आप इसको ऐसे एंगल में देखिए, यानी कि उसको आप सीधा मत देखिए, आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री। अब ये सीधा सीधा है, इसको 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये कैसा शेप बनेगा उसके बारे में सोचिए। तो वैसे कुछ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, तो जैसे कि आपको, जैसे कि अभी मैं ये इतना शेप कर लेते हैं, बाकी ये तो बाकी सब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ, इस शेप को रेडी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं ग्रिड को गैप करता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। या फिर इधर से पहले तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, 1 पॉइंट स्टार्ट, ओके, ये एक बार नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे जाके, फिर थोड़ा ऊपर, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे, ठीक है, फिर थोड़ा आगे। अब देखो ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये समझ लो ये है, ये पॉइंट्स है, मैं इसको साइड से देख रहा हूँ। अभी ये जो मैंने सेंटर वाला बनाया है, सेंटर वाला अभी पूरा नहीं बनाया है, इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, बाकी तो जितना भी बनाया है उसको उतना समझ लेते हैं, ओके। तो अभी मैं जैसे अभी ये वाला बना दिया, अभी इसको भी थोड़ा ऊपर उठाना है, तो मैं यहाँ पर भी ऊपर उठा देता हूँ सेम इसी लेवल पे, लाइक तो इधर मैं ग्रिड को भी ओपन करूँ तो मेरे लिए ईजी पड़ जाएगा, तो ग्रिड मेरा ओपन है, ग्रिड भी फिर भी काफ़ी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो पहले तो ऐसे सिंपल सिंपल कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे और भी अच्छे तरीके से, थोड़ा और दूर कर लेते हैं, थोड़ा और नज़दीक, थोड़ा और नज़दीक, फिर लास्ट वाला थोड़ा और नज़दीक, यानी कि अभी लास्ट वाला जो ये वाला सर्कल है उसके लिए और नज़दीक, थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा जाके, ठीक है, इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं इसके अंदर एड ऑन करना पड़ेगा मुझे, तो इसके एडेबल स्प्लाइन में जाके इसके अंदर मैं इसको रिफाइन ऐड कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाते हैं ऐसा कुछ सीधे में, ठीक है, यहाँ पर रिफाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको आगे कर लिया, ठीक है, इधर पर वर्टेक्स को एनेबल रखते हैं, ओके, इधर पे मेरे को ये भी अपना एक्सेस कंस्ट्रेंट को भी ऑन कर लेना है ताकि मेरी स्नैपिंग अच्छे से हो जाए, फाइन, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मुझे जैसे कि अभी यहाँ पर देखो ऐसे राउंड बन रहा है, तो इसको मुझे भी राउंड करना पड़ेगा,
इसको तो अभी ऐसे रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, पहले इसको राउंड करना पड़ेगा जो इधर पे आप देख सकते हो। मैं इसको बना रहा हूँ अभी, इसको साइड से देख रहा हूँ मैं अभी। इधर पे मुझे राउंड करना होगा, राउंड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ अपना फिलेट। ठीक है, फिलेट अमाउंट में कुछ ज़्यादा ही बढ़ के जा रहा है। ठीक है, इधर भी क्या हो रहा है, ज़्यादा ही बढ़ के आ रहा है, ज़्यादा ही जंप मार रहा है, देख सकते हो। थोड़ा सा ही करना है, ट्राई करना है कुछ अमाउंट ही जाए, ज़्यादा नहीं। हाँ, बस हल्का 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 सा भाई, मान जा 1 पॉइंट। ओके, इसको भी मुझे थोड़ा सा फिलेट करना है, बहुत ही बारीक सा। तो इधर मैं यहाँ पर से 0.5 करके देखते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया। नहीं, इतना नहीं चाहिए मेरे को, 0.1 या 0.1। ओके, 0.1 भी ओके ओके है। ऐसे राउंड हो गया है हमारा, फिर राउंड होते होते फिर यहाँ पर भी राउंड होगा, तो ये भी हमारा कुछ फिलेट होगा 1। तो ऐसे कुछ डेप्थ जैसा बनेगा यहाँ पर। इसको भी मैं फिलेट कर देता हूँ, इसको 0.1 कर देते हैं। ओके, इधर पे भी मुझे राउंड करना है, तो इधर पे मैं कर देता हूँ यहाँ पर 1। ओके, ऐसा कुछ। तो इसको भी मैं फिलेट को 1, सॉरी गलत गलत, 0.1 इसको भी कर देता हूँ 1। अगर मैं इसको अगर 2 करता हूँ तो कितना बड़ा बनेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। 2 भी सही है, इसको दोनों को कर देता हूँ मैं 1, ऐसा कुछ। इसको भी कर देते हैं हम लोग 0.2, इसको कर देते हैं हम लोग 1, इसको कर लेते हैं 2, 0.2 तो कर लेते हैं 1, इसको भी कर लेते हैं 0.2। इसको भी कर लेते हैं हम लोग 1। ओके, अब लगे तो कुछ ऐसा वेव बना दिया आपने, हम लोग चाहिए सर्कल। रुको, करते हैं ख़त्म। ठीक है, अभी ये जो शेप हमारे पास है, मैं अभी इनको यूज़ करूँगा। इधर पे यूज़ करूँगा एक कमांड जिसे बोलते हैं लेथ, LATHE, लेथ। ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। इधर पे मैं इधर पे इसको अप्लाई करता हूँ, असाइन करता हूँ यहाँ पर, और फिर देखते हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है। आपको मेरा स्क्रीन सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो बताइए ज़रा अच्छे से। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, तो इधर पे लेथ पे जा रहे हैं, वो लेथ पे जाते ही आप देखो ये क्या बन गया। ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। इसको अलाइन में हमेशा ट्राई करने MIN पे क्लिक करो, जैसे आप अप्लाई किया आपने तो अपने आप ही देखोगे इस तरीके से ये हो जाता है, और ये ऐसा कुछ बन गया। और ये काफ़ी ब्लैकी ब्लैकी दिख रहा है क्योंकि इसका जो फ्लिप है यानी कि उल्टा हो गया ये। इसको फ्लिप नॉर्मल कर दो यहाँ से, तो ये आप देखो कलरफुल दिखाई देगा आपको। ओके, और यहाँ से आप इसको, इसके जो सेगमेंट्स है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। 32 करो या 64 कर दो, 32 करता है अभी, यहाँ पर 64 कर लेते हैं, ये काफ़ी स्मूथ मिल जाएगा हमें अभी। ये यहाँ पर आप देखते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से शेप हमारे पास आ गया है, देख सकते हो। बीच में जैसा इधर पे था, अभी ये हमारा काफ़ी छोटा बना है। इधर पे काफ़ी ही कुछ ऐसा शेप जो देख रहे हो, इधर पे ऐसा शेप जो बना है हमारा, जैसा शेप चाहिए था वैसा कुछ शेप है इधर पे। अभी इधर पे बोलो, ये काफ़ी ही हमारा थोड़ा और भी बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा सा बन गया। इसको हम लोग अभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर आऊँगा इस पर, और मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से मेरे को आउटपुट भी नज़र आएगा मेरा आउटपुट क्या है। मैं यहाँ से टॉप पे आऊँगा, और यहाँ से मैं एक और यहाँ पर टॉप पे आके यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको प्रीव्यू देख सकते हैं इधर पे कितना हम लोग अपडेट कर रहे हैं, कैसा अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये है आई थिंक सो, ये हमारा दूर वाला है, थोड़ा देख के ध्यान से क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा हमारे लिए। और यहाँ पर से इसको पकड़े हम लोग ने, और इसको मैं कर देता हूँ पीछे की तरफ 1 मिनट, ऐसे नहीं,
ऐसे करोगे पीछे की तरफ तो ये देख सकते हो ऐसा कुछ हो जाता है। पूरे पॉइंट्स को लेना है पूरा अच्छे से अच्छे से, देख सकते हो गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हुआ तो पूरा शेप बिगड़ सकता है। ठीक है, अब बीच में देखो ब्लैक ब्लैक आ रहा है तो इसको मैं इसको भी सही करता हूँ, इसके पॉइंट्स को मैं अंदर की नहीं बाहर की तरफ ले लेता हूँ कुछ ऐसे, या परफेक्ट हो गया देख सकते हो, ऐसे शेप है सेम टू सेम, ये भी ऐसे है। और यहाँ पर काफ़ी मैंने बहुत ही नोकीला बनाया हूँ उसको, मैं चाहूँ तो और भी थोड़ा सा इसके शेप्स को बढ़ा के मोटा करके इसके नोकीलेपन को और भी वो कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बीच में भी एक और सेगमेंट है तो इधर पे और भी हम लोग पतला कर सकते हैं जैसा चाहिए हमें, वो भी मोटा कर सकते हैं। ठीक है, इधर देख सकते हो ऐसा कुछ शेप हमारा आ जाता है। इसको अगर मुझे इधर पे अंदर भी करना है, बीच वाले शेप्स को पकड़ के मैं अंदर खींच सकता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक बीच में सेगमेंट्स बनाया पकड़ा मैंने, इसको बीच में से डेप्थ देना है मुझे, ऐसे मैं दे सकता हूँ। ऐसे मुझे देने के लिए मैं इधर पे स्मूथ का भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर इधर पे मैं एक ब्रेजर का यूज़ करके इसको अप्लाई करके ऐसे कर सकता हूँ परफेक्टली। और इसको मैं कॉर्नर कर सकता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से भी कॉर्नर कर दूंगा, तो परफेक्टली देखो अंदर की तरफ जा रहा है, परफेक्टली अंदर हमारा हो गया सर। देख सकते हो ऐसे मैं अंदर डेप्थ कर सकता हूँ, जितना मेरे को अंदर डेप्थ करना था आराम से डेप्थ कर सकता हूँ, बाहर करना है बाहर कर सकता हूँ तरीके से। ठीक है, तो अभी ये देखो जैसे ये हमारा एक वॉल वॉल के लिए बन गया, तो वैसे ही एक ये बन गया। अभी इसको मैंने जैसे लेटा कर रखा हूँ तो इसको मैं अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूँ, जैसा वॉल पैनल्स पे आपने देखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूँ यहाँ से, जो 90 डिग्री रोटेट, ओहो 90 डिग्री नहीं हो गया, तो 90 डिग्री रोटेट करके आपके पास ये शेप आ जाता है ऐसा कुछ। फिर इस शेप को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अभी इसमें दो दो मिक्स है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक और शेप आप इसका ही कॉपी एक ले सकते हो यहाँ पर से, और कॉपी लेके हम लोग चाहे तो इसको स्केल कर सकते हैं, यूज़ स्केल ऐसा कुछ मिक्स कर सकते हो स्केल करके, देख ऐसे अप्लाई कर दोगे तो ऐसे ही कुछ आपका देखो डिज़ाइन भी ऐसे कुछ बन रहा है जैसे यहाँ पर ऐसे कुछ हो रहा था, तो इसको भी आप ऐसे ही मिक्स कर सकते हो जैसे इसमें मिक्स हो रहा है। जैसे अभी शेप को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, थोड़ा सा चेंजेस करना है जहाँ पर वो हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे को अगर यहाँ पर लाइक बीच में चेंजेस चाहिए थे, इधर पे ये जो पॉइंट्स है इसको थोड़ा दूर होना चाहिए, तो उसको मैं सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको भी सेलेक्ट करके मैं मूव कर सकता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से शेप ऐसे सर्कल सर्कल जैसे ये सर्कल सर्कल दिख रहा है वैसे हमारा ये आ जाता है। ठीक है, अभी मैं इधर पे और ओवरऑल एक प्लेन डाल दूंगा, एक प्लेन डाल सकते हो या फिर एक रेक्टेंगल डाल सकते हो, एक वॉल बनाने के लिए एक वॉल बना लो, एक वॉल को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। इस वॉल पे मैं एक अमाउंट दे देता हूँ, ठीक इसको पीछे कर लिया, ठीक है अभी सबको एक ही कलर दे दोगे, एक ही अमाउंट एक ही वैल्यू ऑफ कलर, जैसे मैंने इसको एक ही कलर दे दिया, तो अभी देखोगे ये पूरा पूरा एक ही पैनल्स पूरा कंप्लीट बन गया, पूरा कंप्लीट एक पैनल्स दिख रहा है ना, कंप्लीट सिंगल पैनल्स। ठीक है, सेम ऐसी तो है और कुछ नहीं है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नया आया है तो। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी आ जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।